देखिए, पहले तो मैं आपको ऑफिशियली और कैटेगोरिकली पार्टी के तौर से पूरे अधिकृत तौर पर और जिम्मेदारी से ये कह दूं कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, वो पीएम की रेस में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने का जो फैसला लिया है वो इस देश के हित में लिया है। इस देश को कैसे बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, इस देश को कैसे महंगाई से मुक्ति दिलाएं, इस देश के किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर करें, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, तरक्की की राह पर ले जाएं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी ने किसी प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशन के चलते फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने, कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने ये बात जरूर कही होगी। ये तो यही दिखाता है कि हमारे इंडिया गठबंधन में कई सारे काबिल लोग हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है, जिन्होंने बड़े बड़े प्रशासन चलाए हैं, लोकप्रिय हैं, और हमारे पास कई ऐसे दिग्गज हमारे इंडिया परिवार का हिस्सा हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एनडीए से और बीजेपी के लोगों से, क्या इनकी पार्टी में कोई है जो कह सकता है कि मोदी जी के अलावा हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का कोई शख्स प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि एनडीए के घटक दल एआईएडीएमके का कोई प्रधानमंत्री बने? इनके यहाँ तो आप इस प्रकार की इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकते।